गुरदासपुर विच 3 महीने पहला 13 साल की बच्ची नाल होए जबर जनाह मामले विच आरोपी की गिरफ्तारी लई पुलिस अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई करवाउण लई समाजिक जथेबंदियां ने थाना सिटी गुरदासपुर अगे धरना लगा के रोस प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे जथेबंदियों के आगुआं ने कहा कि 3 महीने पहला गुरदासपुर विच एक 13 साल की बच्ची नाल एक व्यक्ति वालों जबर जनाह किया गया सी, पर पुलिस प्रशासन वालों उस नूं राजनीतिक शय कारण गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके कारण आरोपी विदेश भज गया। उन्होंने सरकार तो मांग की कि आरोपी नूं विदेश भजाउण विच जिन्हां पुलिस कर्मचारियों का हाथ है उन्हां खिलाफ बनदी कार्रवाई की जाए, नहीं तो उस तरह ही अपना प्रदर्शन जारी रखणगे। इस संबंधी DSP सिटी रिपू तापन सिंह ने दस्सिया कि बच्ची नाल होए जबर जनाह मामले विच आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, इसका चलान अदालत विच पेश कर दिता गया है। इस आरोपी बारे जानकारी इंडियन एम्बेसी नूं भी भेज दी गई है। जो भी आरोपी किसी एयरपोर्ट से उतरेगा उसनूं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अज तो कोई 3 महीने पहला एक बच्ची 13 साल की बच्ची दे नाल बलात्कार होया सी और 25 जून नूं परचा दर्ज करवाया गया, बच्ची का मैडिकल भी करवाया गया, मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी होए है, पर इतों का जिहड़ा लोकल पुलिस प्रशासन है वह आम आदमी पार्टी के नुमाइंदियां की हमायत है उन्होंने, और उन्होंने पैसे लैके जिहड़े दोषी है उन्हां दे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इस करके इस मतलब वह कहिंदे आ कि दोषी है जिहड़ा बाहरले मुल्क भज गया। ये पुलिस प्रशासन जिहड़ा 3 महीने बड़ी ढिलीए की कारगुजारी रही है, इस तो पहला भी 18 अगस्त में इतने थाना सिटी का घराओ किया और इन्होंने कहा ही अं एक हफ्ते के दोषी को गिरफ्तार करांगे, पर अज 1 महीना बीत जाने भी ना तो दोषी इन्हों की गिरफ्त में है तो ना ही इन्होंने कोई वो खिलाफ़ कार्रवाई की है, इस करके अज इतने अं धरना दोषी को पुलिस ने भी पैसे चुके हैं तो आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे जोड़े रमन बैल है वो भी उन्होंने पिठ से खड़े है, इस करके जोड़े गरीब लोग है गरीब परिवार है वो कोई सुनवाई नहीं हो रही। अं जथेबंधक तौर पर उन्होंने लगातार नाल भी चल रहे हैं पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आरोपी अज तो तकरीबन 10 दिन तक पहला तक इतने घूमता रहा है, पर अं बार बार दसते रहे हैं भी अज जिहड़ा आरोपी है वह तिबड़ी नहर के उत्ते बैठा है जां इत्थे शहर के विच घूमता पिया, पर पुलिस ने उन्हें बिल्कुल नहीं फड़िया, ना वो गड्डी बाउंड की है ना वो खिलाफ़ कोई जिहड़ा को वारंट जारी किया। असीं हुण ये मंग करते हैं पहले नंबर पर कि जिहड़े पुलिस अधिकारियों ने उन्हें दौड़ दे विच शह दी है उन्हें खुला छड़िया इन्ना समा, उन्होंने खिलाफ़ जिहड़ी कार्रवाई होनी चाहिए है वह डिसमिस होने चाहिए है और एक सिट बना के प्रॉपर जिहड़ी कार्रवाई है वह होनी चाहिए है। और अं बेनती करांगे भगवंत मान सरकार नूं कि इंटरपोल पुलिस दे नाल संपर्क करके दोषी नूं गिरफ्तार करके इत्थे लिआंदा जाए। और मैं पंजाब स्टूडेंट यूनियन दा सूबा मीत प्रधान शहर गुरदासपुर दे विच 13 साला बच्ची दे नाल जिहड़ा उह रेप होया, पुलिस नूं वार वार कहण दे बावजूद भी पुलिस उस दोषी नूं गिरफ्तार नहीं कर रही, सगों की पुश्तपनाई कर रही हैगी। हुण जदों पुलिस नाल गलबात चल रही हैगी तां पुलिस वार वार ये कह रही है कि दोषी जिहड़ा वा उह देश विच है नहीं, वो बाहर भज गया वा। आ साडा कहना यह आ कि उहनूं भजाउण वाली जिहड़ी हैगी उह पुलिस आ, इत्थों दा SHO आ, इनकुआरी अफसर आ ते DSP आ। असीं मंग करदे हां कि विजय हरदान नूं जिहड़ा वा गिरफ़्तार किया जाए और इहदे नाल जिहड़े उहदी पुश्तपनाई कर रहे हैगे दोषी उहनां नूं जिहड़ा वा जिहड़े पुश्तपनाई कर रहे हैगे पुलिस वाले उहनां नूं भी जिहड़ा वा बरखास्त किया जाए। असीं इस संघर्ष नूं पंजाब पद्धर ते लै के जावांगे, घर घर तक इस संघर्ष में जोड़ा वो लैके जावे तो इतों के जोड़े है दोषी सजावं दवाण वास्ते संघर्ष में होर तिखा तेज़ करा। असी वार बार ये गल DSP साहब के ध्यान लियाँदे रहे हैं, SHO के ध्यान लियाँदे रहे कि वह पासपोर्ट आज लुकआउट नोटिस जरा जारी करो, पर बजाय वो लुकआउट नोटिस जारी कर जी पुलिस हैगी गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ती रही है। असी इस संघर्ष में पंजाब पद्धर का संघर्ष बनावे और दोषी को सज़ा दवाने वास्ते संघर्ष में होर वड्डा जिहड़ा वा वह करा। असी इस सारे मसले के क्योंकि वो बच्ची जी 13 साला की वो एक विद्यार्थिनी भी आ और पंजाब स्टूडेंट यूनियन जदों तक उस बच्ची इंसाफ नहीं मिलता गा असी इस मोर्चे के इस संघर्ष के जोर ला के जोड़ा है वह शमूलियत करते रहेंगे। ये एक केस दर्ज होया 13 साल की नाबालिग बच्ची का रेप के संबंध में केस दर्ज होया, पुलिस ने कार्रवाई करद इन्वेस्टिगेशन करके चलान कोर्ट के दे दिता है, जिहड़ा दोषी आ उन्हें फड़न की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, उस संबंध में सारे जो भी अपने को टैक्निकल एविडेंस ने सारी यूज करके तो उन्होंने दोषी को फड़न की पुरजोर कोशिश चल रही है। इस संबंधी हाल तक कोई भी साढ़े को इनफॉर्मेशन नहीं है, जो कोई भी यहोजी इनफॉर्मेशन आऊगी उस संबंधी कार्रवाई की जाऊगी। सिट भी न सिट जी नवी बना लगे साहब, वो नवी सिट बना के कार्रवाई की जाऊगी।
सारी जगह जी एल ओ सी भी जारी कर दिते होर भी जिहड़े साडे कोल इंटैलीजेंस इनपुट ही सारे यूज कर लिया जे कोई बंदा बाहर गया आ उहदे संबंधी भी अहीं कार्रवाई कर रहे हैं जिहड़े संबंधित देश दे नाल कंटैक्ट करके वह भी कार्रवाई कर रहे झरना जी चुका दिता गया जो भी बनती कार्रवाई अगे जो भी कानून अनुसार करनी कर रहे हैं। दस जनवरी लई गुरदासपुर तों नवप्रीत खुशीपुर की रिपोर्ट। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.